हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है ईबीपी एसीएस 800 में जो भी मेन एक्ट बटन जो है उसको प्रेस करने के बाद जो भी यहाँ पे डिस्प्ले दिख रहा है उसमें आपको अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसको कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। एक्ट बटन प्रेस कीजिए तो आपका मेन डिस्प्ले आएगा, और अगर इसमें कुछ तीनों में से कोई चेंजेस करना है तो बस उसमें एंटर कीजिए। जैसे पहले वाले पे जहाँ पे ब्लिंक हो रहा है वहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद एक्चुअल सिग्नल आएगा जो यहाँ पे दिख रहा है। आप एक्चुअल सिग्नल में अप और डाउन कुछ भी प्रेस करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल इसमें फ्रीक्वेंसी, स्पीड और करंट वही आता है सिलेक्ट करने के लिए। मैं देख लेता हूँ फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, मोस्टली स्टार्टिंग में रहता है वो सब। देखिए एनालॉग इनपुट टू, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं एक्चुअल डिस्प्ले में, जो आपको हमेशा बताता रहेगा कि कंट्रोल से या फिर रिमोट से कितना रेफरेंस आ रहा है। ऑपरेटिंग आवर्स है, एक्सटर्नल कंट्रोल वन, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। एसीएस 800 टेम्परेचर, ये बेसिकली ड्राइव का टेम्परेचर बताता है, तो ये भी आप रख सकते हैं इफ दैट इज इम्पॉर्टेंट। पावर भी इम्पॉर्टेंट है, टॉर्क इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एक करंट है तो फ्रीक्वेंसी, इसको अगर सिलेक्ट करना है तो बस एंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही जो पहले था वो चेंज हो गया। नीचे करंट है, अगर इसको भी आप लोगों को चेंज करना है, कुछ और सेट करना है लाइक ड्राइव टेम्परेचर, तो जस्ट एन एग्जांपल फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ड्राइव का जो टेम्परेचर था ऊपर वाला, ओके दैट इज 10 एसीएस 800 टेम्परेचर। इसको बस इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने पे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, और फिर से वापस से एक्ट बटन प्रेस करना है तो कि नॉर्मल डिस्प्ले दिखाएगा। Thank you.